नमस्ते दोस्तों, तो रेशमा डिज़ाइन फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट टू देखेंगे। अगर आपने इस गाउन का पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं पार्ट टू की कटिंग करूँगी, जहाँ पर हम 9 साल की बच्ची के लिए फ्रिल अम्ब्रेला गाउन बनाएंगे। तो ये मैंने एक जोड़ी में बनाया है, मॉम और डॉटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, सेम जो गाउन पहनते हैं, तो उसका लिंक आपको पार्ट वन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब जो हम कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे पार्ट टू में, तो सेम मैंने जो फैब्रिक है, इस फैब्रिक की डिटेल्स सब कुछ आपको पार्ट वन में अच्छे से मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके जरूर देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स और कॉमेंट ना करना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहे, सीखते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाहर एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं पता नहीं, मैं थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश करूँगी। तो इसे मैंने एक फोल्ड पर रख लिया है। अब जो मेरे गाउन की जो फुल लेंथ है टोटल, वो है 42 इंचेस, जिसमें हम -12 करेंगे। तो -12 जो है मेरी अपर बॉडी की लेंथ है, जो भी बचता है 30 इंच बचेगा, तो उसमें -5 करके हमें जो है फ्रिल लेना है, बचे हुए जो लेंथ होगी उसमें हमें स्कर्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम अपर बॉडी की मेजरमेंट और कटिंग देख लेते हैं। तो उसकी टोटल लेंथ है 12 इंच, तो यहाँ पर मैं लूँगी 12.5 हाफ इंच हमें जो है सिलाई के लिए चाहिए। ये हमने 12.5 पर मार्क कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, शोल्डर लेंगे, तो जो टोटल शोल्डर है वो है 12 इंचेस, 12 का हाफ होता है 6, तो यहाँ पर हम 6 मार्क कर देंगे। तो जितना हमारा शोल्डर है आर्म होल लेंथ भी हमारी उतनी होगी, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 6 इंचेस इस तरह से। तो जितना यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट है उतना ही हम यहाँ पर भी ले लेंगे 6 इंच। तो ये हमारा जो है 6 इंच का बॉक्स रेडी हो जाएगा। और इसके बाद में आपको जो विड्थ लेनी है, तो यहाँ पर हमारा जो नेक है वो है 2.5 इंच फोल्ड पर, और यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर स्लोप ले लेंगे, शोल्डर स्लोप ले लेंगे, और 1 इंच अंदर से जो है हम फ्रंट आर्म होल के शेप के लिए मेजर ले लेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स हम मैच कर देते हैं। इसके बाद में हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो जो भी आपका चेस्ट राउंड है डिवाइड बाय, वैसे तो हम बच्चों के कपड़ों में 1 इंच लूजनेस रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 1/2 इंच रखने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा फिटिंग दूंगी मैं इसे। तो मेरा जो टोटल होगा, तो आपको क्या करना है, चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 + 1 इंच, अगर आप ज़्यादा लूजनेस रखना चाहते हैं बच्चे के लिए, या फिर 1/2 इंच आप ले सकते हैं। तो मेरा टोटल आता है 7.25, तो ये 7.5 का और हाफ जो क्वार्टर होगा 7.25 हो जाएगा। 7.25 हमने यहाँ से मार्क किया, और वेस्ट राउंड में भी आपको वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 करना है, +1 या फिर 1/2 इंच लूजनेस। तो मैं 1/2 इंच लूजनेस ले रही हूँ, तो मेरा टोटल हो जाता है 7 इंचेस। तो यहाँ से मैं मार्क कर दूँगी 7 इंच। तो बैक के लिए मैं एक्स्ट्रा 1/2 इंच यहाँ पर नहीं ले रही, क्योंकि हमारा जो जिप है हम वो साइड में लगाने वाले हैं, ना कि बैक जो हमारा पार्ट होता है वहाँ पर नहीं, तो हम साइड जिप लगाएंगे इसमें। तो अब हमें जो है मेजरमेंट लेना है आर्म होल का, तो ये स्लोप से यहाँ तक देखेंगे 5.5, तो इसका 5.5 का हो जाएगा 2.5। तो यहाँ से हमें अभी शेप देना है 2.5 पर, उससे पहले हम जो है ये 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा मार्किंग है हमारी वो रख लेते हैं। तो यहाँ से अब हम फ्रंट आर्म होल का शेप, सबसे पहले बैक आर्म होल का शेप देंगे, इसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है इस सेंटर से, इस तरह से। अब यहाँ पर से भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मेजरमेंट। और यहाँ से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो अब इस आउटर पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे, और इसी को रखकर जो है हमें फ्रंट का भी कटिंग करना है। तो कटिंग हमने कर ली है कपड़ा रखकर, दूसरे जो बैक साइड की है उसकी भी कटिंग हो चुकी है। अब हम जो है फ्रंट आर्म का शेप देंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ शेप देते हुए। तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ ऊपर के 2 पल्ले आपको उठाने, सिर्फ ये नीचे वाला नहीं, सिर्फ ये 2 उठाने, और ये जो आपने शेप दिया है इसे कट कर लेना है। कटिंग हो चुकी है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। ओके,
जी, तो हमने अस्तर को रखते हुए हमारे मेन चमड़ी की कटिंग कर ली है। अब हमें जो है लोअर बॉडी की कटिंग करनी है। तो मेरा टोटल फुल लेंथ जो है 42 इंचेस था, जिसमें से -12 अपर बॉडी कटिंग हुई है। तो नीचे का बस्ता है हमारा 30 इंचेस। अब 30 में जो हमारी 5 इंच की जो है लेयर है, तो 25 इंच की जो है हमें ये लेंथ कट करनी है, जिसमें 5 इंच हम जो है फ्रिल का ऐड करेंगे, तो टोटल 30 इंच कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट मैंने किस तरह से लिया है, ये जो राउंड शेप आप देख रहे हैं, तो वेस्ट राउंड का आपको फॉर्मूला अपनाना है। आपका जो भी वेस्ट राउंड है उसे डिवाइड बाय 6.28 करना है, तो जो भी आता है वो आपको शेप में लेना है। तो मेरा जो है टोटल 4.5 आता है। तो मैंने कैसे मेजरमेंट लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं टेप का ऊपर का, इसे और इस पॉइंट को आपको एक जगह पर रखना है और 4.5 की मार्किंग करनी है। ओके, तो इस तरह से हम मार्क करते हुए जाएंगे और 4.5 मेजर कर लेंगे राउंड शेप में। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपकी टोटल लेंथ है वो है 25 इंचेस। तो यहाँ से हम जो है 25 इंच पर मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच हमें जो है सिलाई का लेना है, तो टोटल हमारा 26 हो जाता है। तो यहाँ पर मार्क करने के बाद में हम मेजर टेप जो है ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो भी हमारी टोटल लेंथ आती है वो हमें लेनी है। तो इस तरह से मेजर टेप हमें पकड़ना है और इसे अच्छी तरह से रखते हुए हमें जो है पूरी एंड तक मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद में हमें ये पॉइंट और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है कट कर लेना है। सॉरी, आपने जो ये मार्किंग की है और ये जो मार्किंग की है इसे कट कर लेना है। तो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब गाउन के अस्तर की कटिंग करेंगे हम, जो हम ए लाइन कट करने वाले हैं। तो ये लेंथ आपको इसकी कैसे लेनी है, जो भी फ्रिल को छोड़कर जितनी भी आपकी लेंथ है, जैसे मेरा जो टोटल लेंथ था 30 इंचेस था, इसमें -5 मैंने फ्रिल के लिए किया था, तो हमारी लेंथ बचती है 25 इंचेस। तो जो हमारी मेन लेंथ है उसे 1 इंच हम इसे छोटा रखेंगे, 24 इंच इसकी लेंथ रखनी है, प्लस 1.5 इंच करेंगे हाफ इंच ऊपर की सिलाई का, 1 इंच नीचे की सिलाई का। तो टोटल 25.5 पर मैंने इसे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद में वेस्ट राउंड की मार्किंग हम किस तरह से करेंगे, ये कोई भी एक फ्रंट या बैक का पार्ट ले लेना है आपको अपर बॉडी का, और इसका बॉटम इस तरह से रखते हुए वेस्ट राउंड आपको ये मार्किंग कर लेनी है। और नीचे से जो भी आपका बॉटम एंड आता है वो पूरा फ्लेयर आप जो है ए लाइन शेप में ले लेंगे। अब ये जो आउटर पार्ट आप देख रहे हैं इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा है मैंने इसे 4 फोल्ड में रखा हुआ है इस तरह से, और जो फोल्डेड पार्ट है वो सारे मेरी तरफ है। ओके, तो स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम। स्लीव को आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो मैंने इसके अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, ये जो मेरा फैब्रिक है मैंने इसे एक फोल्ड पर इस तरह से रखा हुआ है। फिर आपको जो है सेकंड फोल्ड करना है, इस तरह से अच्छी तरह से बिछा लेंगे। तो 4 फोल्ड करने के बाद में आपको क्या करना है, तो बिछा लिया है। अब जो मेरी टोटल लेंथ है स्लीव्स की वो है 5 इंचेस, और जो हमें ऊपर से शेप देना है तो अराउंड 2 इंचेस है। तो हम सब कुछ ऐड करके 8, तो करीब 8 इंच पर हम फोल्ड करते हैं। और करीब 8.5 इंच पर मैं इसे फोल्ड करती हूँ, क्योंकि थोड़ा यहाँ से अनइवन है कपड़ा, तो यहाँ से रखते हुए मैं 8.5 इंच पर इसे फोल्ड कर लेती हूँ। तो ये अब जो है 8 फोल्ड हो चुका है, पिन कर लेती हूँ इसे मैं। अब ये किस तरह से आपको मेजर करना है, जो भी आपका आमूल राउंड है, जैसे मेरा आमूल राउंड जो है 13 इंचेस है, तो 13 इंच डिवाइड बाय 6.28 आपको करना है, तो टोटल आता है 2 इंचेस। तो ये जितने भी फोल्डेड पार्ट है वो मेरी तरफ है, तो सारे फोल्डेड पार्ट अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पर इस पॉइंट को हम पकड़ेंगे और 2 इंच पर जो है हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से जो टोटल लेंथ है हमारी एक्चुअल लेंथ वो 5 है, प्लस 1 इंच हमें इसे करना है, क्योंकि इस पर हम ऐड करने वाले हैं, हमें जो है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए चाहिए, तो 6 करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ले लेंगे हम, टोटल 8 इंच होता है। तो 8 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए जाऊँगी मैं इस पॉइंट को पकड़ते हुए। इसकी और इसकी कटिंग कर लेंगे हम।
तो कटिंग हो चुकी है। तो जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की है, मेन फैब्रिक की भी कटिंग करी है, सिर्फ इसमें जो डिफरेंस हमें रखना है वो ये है कि अगर इसकी लेंथ जो मैंने 5 इंचेस ली है, तो जो नेट में लगाने वाली हूँ ऊपर से, उसकी लेंथ जो है हमें -2 करना है, तो मतलब इसकी लेंथ जो है 3 इंच होगी। आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक में जो है इसका डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है मैंने स्लीव की, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम बना रहे हैं बेल्ट, बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक फैब्रिक को जो है एक फोल्ड पर रख लिया है। तो यहाँ से मैं लेंथ लेने वाली हूँ 40 इंचेस, मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है 40। यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2 है, तो इस तरह से क्रॉस रखते हुए इसे मार्किंग कर लेंगे हम ऐसे। ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं, इसकी कटिंग करनी है आपको। कटिंग हो चुकी है, अब इसे ही रखकर जो है हम दूसरा पार्ट कट कर लेंगे बेल्ट का। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब जो है हम इस गाउन की स्टिचिंग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो है स्टिचिंग करेंगे नेक की। तो सबसे पहले मैं जो है फ्रंट का नेक बनाऊंगी। तो ये मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साइड रख लिया है। अब जो टोटल लेंथ है हमारे नेक की वो है 2.5 इंचेस। तो यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे, क्योंकि ये ओपन होने के बाद में जो है जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये 2.5 इंच का तैयार होगा। ओके, अब जो हमारे नेक की लेंथ है वो है टोटल 5 इंचेस। तो मैं 5 एज इट इज़ ले लूँगी, क्योंकि ऊपर से जो है 1/2 इंच शोल्डर की भी स्टिचिंग होगी। यहाँ से भी हम 2 इंच मार्क कर लेते हैं और इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 5 का 1/2 होता है 2.5 इंच, सेंटर मार्क करेंगे और यहाँ से मैं जो है इसे शेप दूंगी। सेम जो हमने मम्मी के गाउन में शेप दिया है वही शेप हम इसमें भी देंगे। तो इसे एज इट इज़ कट कर देंगे। तो ये हो चुकी है कटिंग। अब हमें क्या करना है, ये जो अस्तर का पार्ट है राइट साइड जो है इस फैब्रिक का, ये जो शाइनी पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम जो है 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से आपको मार्किंग करते हुए जाना है टेप को रखते हुए। तो ये एंड तक मैंने शेप दे दिया है। अब आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक को ओपन करना है और इसे रखना है हमें राइट साइड पर। तो रॉन्ग साइड और राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए इस तरह से हम रखेंगे और इस पर जो हमने मार्किंग की है सिलाई कर लेंगे। ओके, तो सिलाई हमने लगा ली है, उसके बाद में हमने इसमें कट भी कर दिया है ताकि गला जो है इजीली टर्न हो जाए। अब आपको क्या करना है, इसे अंदर की तरफ आपको टर्न करना है इस तरह से। टर्न होने के बाद में आप ये जो देख रहे हैं, हमें इसे जो है टॉप स्टिच करना है। तो गले को अच्छे से हम रखते हुए जाएंगे इस तरह से, जो शेप है उसमें उसके अकॉर्डिंग। और ये जो आप किनारे देख रहे हैं यहाँ पर हम टॉप स्टिच करेंगे इस तरह से, रखते हुए टॉप स्टिच करेंगे तो ये गला अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ओके, तो इससे मैंने कर दिया है टॉप स्टिच। अगर अभी आप देखेंगे तो ये जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है ये थोड़ा फ्रे भी हो रहा है, तो इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़ा हम साइड में करेंगे मेन फैब्रिक को, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आप अंदर की तरफ देख रहे हैं इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए और इसकी जो है सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो पूरा जो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक देख रहे हैं नेक का, इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए हम जो इसकी सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगा। ओके, तो अंदर से सिलाई करके हमने इसे जो है ऊपर से भी स्टिच कर दिया है 1 प्रेशर फुट की सिलाई देते हुए। अब हमें जो है शोल्डर और साइड और इस आर्म होल पर जो है कच्ची सिलाई कर लेनी है ताकि ये कपड़ा बैठ जाए, और ये बॉटम भी स्टिच कर लेंगे कच्ची सिलाई देते हुए। तो इसे हमने पूरे साइड से कच्ची सिलाई दे दी है, अब जो हम बैक नेक रेडी करेंगे। ओके, तो अब बैक नेक की कटिंग करेंगे हम। तो ये मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ रख लिया है। तो यहाँ पर भी हमने जो विथ ली है वो है 2 इंच, रेडी है 2.5 होगी, और इसकी जो लेंथ है वो है टोटल 5.5 इंच, तो वो हमने ले लिए। इसका अगर हम 1/2 करते हैं 5.5 का तो 2.7 होता है, वो हमने मार्किंग कर लिया सेंटर। और यहाँ से 1 इंच हमने जो है क्रॉस में अंदर लिया है, तो ईजीली हम जो है इस तरह से फॉलो करते हुए सेंटर और ये क्रॉस लाइन को। ओके, तो ये हो गई हमारे बैक नेक की राउंड नेक शेप जो है उसकी कटिंग और मेजरमेंट। सॉरी,
तो अब इसकी हम जो है कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग हमने जिस तरह से फ्रंट नेक की स्टिचिंग की थी बिल्कुल उसी तरह से जो है आपको बैक नेक की भी स्टिचिंग करनी है नेक की। ओके, तो बैक नेक भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो दोनों राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए देखिए इस तरह से रख के हमें ये जो हाफ इंच की आप सिलाई देख रहे हैं दोनों तरफ से हाफ इंच की सिलाई देते हुए हम ये जो शोल्डर है इसे अटैच कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा रेडी हो चुका है अपर पार्ट हाफ। अब जो हम बॉटम रेडी करेंगे तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्कर्ट अस्तर कप वाला हिस्सा। अभी दोनों ही अस्तर को हमें क्या करना है बॉटम से स्टिच करना है। तो इस तरह से ये जो नीचे का हिस्सा है इसे फोल्ड करते हुए आप हाफ इंच की सिलाई देते हुए ये दोनों ही इनर को जो है रेडी कर लेंगे। ओके, तो दोनों के बॉटम को हमने जो है स्टिच कर लिया नीचे से। अब जो नेट का जो स्कर्ट का पार्ट है नीचे का हम वो रेडी करेंगे। तो ये बॉटम हमने किस तरह से रेडी किया है स्कर्ट का, जो हम 6 इंच की नीचे फ्रिल लगाने वाले थे तो जिसमें 5 इंच हमारा मेन है 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया था सिलाई के लिए। तो मैंने ऑलरेडी इसे स्टिच कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने इसे जो है नीचे से बिडिंग कर दी थी पूरी। उसके बाद में आपको क्या करना है, या तो आप गैदर्स करते हुए आपको जितना हो सके उतना ये कपड़ा कट कर लेना है नेट का। उसके बाद अगर आप चाहें तो गैदर्स कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे प्लिट्स लेकर आप जो है इसे रेडी कर सकते हैं नीचे से। जैसे मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है प्लिट्स लिए हैं तो ये भी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपके स्कर्ट का राइट साइड और इसका राइट साइड दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए आपको रखना है और हाफ इंच की सिलाई देते हुए आपको इसकी जो है फिनिशिंग कर लेनी है। ओके, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे ऊपर से टॉप स्टिच कर सकते हैं। हम थोड़ा इसे और फ्लफी रखने के लिए इसे टॉप स्टिच नहीं करेंगे। प्लस मैंने इसे नीचे से भी यहाँ से जो है बिडिंग कर ली है, ओवरलॉक कर लिया है, तो इसकी पूरी फिनिशिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, तो दोनों स्कर्ट को जो हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक स्कर्ट और एक जो है हम अस्तर लेंगे नीचे का। उसमें राइट और रॉन्ग साइड आपको चेक करना है। तो राइट साइड ऊपर की तरफ आपको रखनी है इस तरह से। तो ये वेस्ट राउंड है और ये इसका वेस्ट राउंड है। तो मैंने ये कॉन्ट्रास्ट कपड़ा क्यों लिया है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जो इस बच्ची की जो मम्मी है उनका स्कर्ट उनका गाउन बनाते हुए। तो आपको इस तरह से इसे पिनअप कर लेना है। तो जो मॉम के लिए हमने गाउन रेडी किया है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से आप जो है बड़े के लिए बना सकते हैं ये ब्यूटीफुल फ्रिल वाला अम्ब्रेला गाउन। और तो दोनों साइड से पिन करने के बाद में इसे सेंटर से हमें पिन करना है और हाफ इंच की सिलाई देते हुए हम इन दोनों को पक्का कर लेंगे। तो दोनों स्कर्ट को आपको इस तरह से रेडी कर लेना है। तो इसे हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अपर बॉडी पार्ट लेंगे हम। ये जो बैक साइड है देखिए, ये राइट साइड और इसका राइट साइड दोनों एक दूसरे को अंदर की तरफ फेस करते हुए ये जो वेस्ट राउंड का पार्ट है इसे हमें अभी ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हाफ इंच की सिलाई देते हुए यहां पर अपर और ये जो अपर और लोअर बॉडी पार्ट है इसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमें इसी तरह ऐसे करना है, ये बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। तो दोनों तरफ से हमने अपर और लोअर बॉडी को जॉइन करके रेडी कर लिया है और ऊपर से हमने इसे टॉप स्टिच कर दिया है ताकि ये कपड़ा बैठ जाए। अब हमें क्या करना है, इसका जो बेल्ट है वो रेडी करेंगे हम। तो आपको क्या करना है, दोनों बेल्ट को जो है लेफ्ट और राइट साइड के बॉटम से स्टिच करना है, ये जो चौड़ा वाला पार्ट है वहाँ से, और यहाँ साइड से स्टिच करना है हाफ इंच की सिलाई देते हुए। ओके, ये जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं स्मॉल पार्ट जो 2 इंच का हमने कट किया था इसे हम ओपन ही रहने देंगे। तो इस दोनों को ही जो है हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ओके, तो बॉटम और साइड से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे हम टर्न करेंगे। तो नीचे जहाँ बॉटम से हमने इसे स्टिच किया था वहाँ से हम कोई भी जो है शार्प ऑब्जेक्ट लेकर इसे इस तरह से टर्न करेंगे। पॉइंट अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ से स्टिच करते हुए आएंगे हम। तो आप चाहे तो पहले प्रेस कर सकते हैं, जो जॉइंट आप देख रहे हैं ये जो हमने सिलाई की है इसे अच्छी तरह से इसे पकड़ते हुए
इस तरह से आपको रखना है। तो यहाँ से सिलते हुए आना है, फिर इस हिस्से को इस तरह से रखते हुए आपको इसे भी जो है सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ तक आने के बाद में आप जो ये हिस्सा देख रहे हैं इसे भी आप जो है ऊपर से सिल लेंगे। तो सिलने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो हमने इसे 3 साइड से स्टिच किया है, ओके। तो इसे भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, ओके। तो दोनों बेल्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें जो है बैक साइड का पार्ट लेना है। तो ये जो बॉटम हमने जो फिनिश किया है नीचे से, इसे हम यहाँ पर रखेंगे। और ये जो ओपन पार्ट था हमारा, जो स्मॉल पार्ट है, इसे यहाँ पर जो जॉइंट देख रहे हैं इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हम पिन कर लेंगे। और यहाँ से जो है, यहाँ से इसकी सिलाई करके इसे पक्का कर लेंगे, ताकि जब हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ रेडी करेंगे, सिलाई करेंगे साइड से, तो ये जो है इजीली स्टिच हो जाएगा। तो दोनों तरफ से इसी तरह से बेल्ट लगा लेंगे हम। तो ये पिन किया और अब इसकी जो है हम सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ से। तो बेल्ट लगाने के बाद हमने क्या किया है, फ्रंट और बैक को एक साथ रखा है। मेजरमेंट हमने ऑलरेडी किया हुआ है हमारा कटिंग के टाइम पर ही। तो ये मेरा राइट साइड है, लेफ्ट साइड पर मैं जिप लगाने वाली हूँ, तो वहाँ पे हम थोड़ी अलग तरीके की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो भी हमारी जो भी आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क कर लेना है और इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको 1/2 इंच की सिलाई देते हुए बॉटम तक इसी तरह से जो है इस हिस्से को स्टिच कर लेना है, ओके। तो राइट साइड हमने कंप्लीट स्टिच कर लिया है। अब लेफ्ट साइड में हमें क्या करना है, जिप लगाना है। हम इनविजिबल जिप लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम मार्किंग हमने ऑलरेडी की हुई है, तो आपका जो भी बॉडी का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। उसके बाद में यहाँ से देखिए मैंने 2 इंच पर मार्क किया है। तो मैं किस तरह से सिलाई करूँगी, यहाँ से सिलाई करते हुए आऊँगी, सिलाई पक्का करके वापस से पीछे चली जाऊँगी। फिर यहाँ पर करीब मैं मुझे 10 इंच का गैप देना है। तो 10 इंच हम करीब ओपन रखेंगे यहाँ तक। तो ये जो 10 इंच हम ओपन रखने वाले हैं, यहाँ पर कोई सिलाई नहीं लगाएंगे। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से सिलते हुए हमें 1/2 इंच की सिलाई करते हुए बॉटम तक जाना है और फिर से ऊपर 1/2 इंच की सिलाई करते हुए बॉटम से ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पे पक्का करके सिलाई बाहर निकालने देंगे। तो ओके, तो हमने आगे क्या किया है, ये जो आपने मार्किंग देख रहे हैं वो सेम मार्किंग जो है मैंने अंदर की तरफ की और उसी पर ये जो टिथ का पार्ट आप देख रहे हैं जिप लगाते हुए, देखिए जो मेरी जिप है ये उल्टी तरफ से मैंने इसे लगाई है, इस तरह से है ये। तो बिल्कुल उसी मार्किंग पर इस टिथ को रखते हुए हमें, मैंने इसे पिनअप कर लिया है। अब मुझे किस तरह से सिलाई करनी है, थोड़ा सा हम खोलेंगे और जो ब्लू कलर की हमने मार्किंग की हुई है उस पर अच्छी तरह से रखते हुए इसे थोड़ा सा ये ओपन करते हुए टिथ के पार्ट को, और यहाँ पर हम किनारे से सिलाई लगाते हुए जिप की फिनिशिंग कर लेंगे। पास कर दिया था। स्टिच हमने कर लिया है। अब मैं ये जो जिप है इसे बाहर निकालूंगी, तो इस तरह से ये हमारी जिप लग चुकी है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है और ये जो जॉइंट है ये भी इक्वली आए हैं इस पर। अब सबसे एंड में जो है हम इसमें लगाने वाले हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स की मैंने ऑलरेडी बिडिंग कर ली है बॉटम से, तो इस तरह से मैंने इसे रखा है, ये राइट साइड और ये राइट साइड जॉइंट कर लिया है यहाँ से। अब यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे इसको, इस तरह से आपको ये लेना है राउंड पार्ट और इसका रॉन्ग पार्ट। तो दोनों राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए तो ये है मेरा शोल्डर का साइड। यहाँ पर इस तरह से एक पिन लगाएंगे, ये जो हमने नॉच किया है उसे पकड़ते हुए। दूसरा ये जो हमने जॉइंट लगाया है और ये जो नॉच है यहाँ पे, इसे एक साथ रखेंगे। और ये सेंटर में, और ये यहाँ पर, तो यहाँ से हम 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। हमें क्या करना है, ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचता है इसे हम हल्का हल्का जो है चुन दे देंगे, तो वो और भी अच्छा दिखेगा स्लीव बन के। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट आप देख रहे हैं उसका चुन बना देंगे और इसकी फिनिशिंग कर लेंगे 1/2 इंच की सिलाई से। तो ये स्लीव्स भी मैंने इसमें लगा ली हैं, तो
तो ये भी का जो ड्रेस था वो भी बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरा गाउन पसंद आया है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कॉमेंट्स ना करना भूलें। इसी तरह सीखते रहें, सपोर्ट करते रहें। इस फ्रिल वाले अम्ब्रेला गाउन का जो मॉम की कटिंग एंड स्टिचिंग है, ये बेबी के लिए मैंने बनाया है, तो मॉम की जो कटिंग एंड स्टिचिंग है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस ये स्लीव जो मैंने बनाई है अम्ब्रेला स्लीव, अगर ये आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इसके अलावा और भी कई अम्ब्रेला स्लीव बनाए हैं, तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे सेफ, टेक केयर, नमस्ते। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.